नमस्कार छात्रों, इस पाठ का हमने अनुवाद यहाँ तक पढ़ा दिया था कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया और राज्यसभा में प्रवेश करने के लिए आज्ञा दे दी। अब आगे पढ़ा रहे हैं यहाँ से, राजा से। राजा स्वर्ण मत्स्यम दृष्ट्वा प्रसन्ना अभूत, कोषाध्यक्षम च पंचाशत स्वर्ण मुद्राणी धीवराय दातुम आदिशत। राजा ने सोने की मछली को देखकर खुश होकर कोषाध्यक्ष को 50 सोने की मुद्राएं मछुआरे को देने का आदेश देते हैं। धीवरा अपि चतुरा आसीत, मछुआरा भी चतुर था। शिरम नत्वा प्रार्थयत, सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा, क्षमस्व महाराज, महाराज क्षमा कीजिए, अहम स्वर्ण मुद्रामी न वांछामी, मैं सोने के सिक्के नहीं चाहता हूँ। राज्ञा पृष्टा, राजा के द्वारा पूछा गया, तदा त्वम यत किंचित अपि वांछसी तद्वत, तो तुम जो कुछ भी चाहते हो वह बताओ, अहम दास्यामी, मैं दूंगा। मछुआरा फिर बोला, हे स्वामी, अहम पंचाशत दंड प्रहारा वांछामी, मैं 50 कोड़े चाहता हूँ। सर्वे सभासदाः तम प्रमत्ता अभि अवदन, सभी सभा में बैठे लोग उसको पागल बोलने लगे। सर्वे विस्मिता आसन, और सभी हैरान थे। राजा ने उसको अनेक उपहारों के विषय में पूछा। परम लेकिन सातु दंड प्रहारा एव वांछति स्म, लेकिन वह तो कोड़े ही मांग रहा था। अंत में राजा तथैव कर्तुम आदिशत, राजा ने वैसा करने का आदेश दिया। पंचविंशति दंड प्रहारात अनंतरम, 25 कोड़े मारने के बाद सह सैनिकान स्थातुम अकथयत, वह सैनिकों को रुकने के लिए कहने लगा और प्रार्थना करने लगा। एन स अहम प्रतिश्रुता, जिसके साथ मैंने शर्त लगी है 25 कोड़े उसे भी दे दो। राजा के पूछने पर उसने सारी बात बताई। राजा की आज्ञा से सैनिक ने द्वारपाल को कोड़े मारने के बाद जेल में भी फेंक दिया। राजा ने मछुआरे की बुद्धि की प्रशंसा की, मछुआरे को सोने का कमल इनाम में दिया। मछुआरा इनाम पाकर राजा को अभिवादन करके घर चला गया। छात्रों, ये पाठ का अनुवाद है और साथ में मैं आपको पूरा इस पाठ का अनुवाद बता रही हूँ, ये आपको कॉपी में करना है। एक और भी है, ये आखिरी पैराग्राफ का अनुवाद है। ये अनुवाद पूरा जो मैंने आपको बताया ये कॉपी में करना है। साथ में छात्रों, पाठ दो के ये विशेषण विशेष और प्रकृति प्रत्यय भी मैं दे रही हूँ, इन्हें भी आपको कॉपी में करना है। और इस पाठ की संधि विच्छेद और पर्याय शब्द भी मैंने दिए हुए हैं, इन्हें भी आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।